हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही थी पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरे बच्चों ने फरमाइश की थी कि उन्होंने पिज़्ज़ा खाना है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया, उसके अंदर मैंने बोनलेस चिकन ली थी, उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। दो प्रेस पीस थे तकरीबन, और दो से तीन थे, और इनको मैंने ऐड करने के बाद जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था। और यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड किया है, रेड चिली पाउडर ऐड की है, पेपरिका पाउडर ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, और साथ में मैंने इसमें हॉट सॉस ऐड की है और सोया सॉस ऐड की है, और विनेगर भी साथ में मैंने ऐड किया था। बस ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको इतना ही कुक करना है कि इसका जो पानी है वो जो है वो ड्राई हो जाए, और इतनी देर में ये जो चिकन है वो भी गल जाएगी। और यहाँ पर मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड किया है, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किए थे बच्चों की वजह से, वो मैं पिज़्ज़ा के ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। और बस यहाँ पर इसको इतना कुक करूँगी कि इसका पानी ड्राई हो जाए। ये जो फिलिंग है आप इसको पहले मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, और डायरेक्ट चाहें तो इस तरह से भी जैसे मैंने बनाई है ऐसे भी बना सकते हैं। तो बस अब उसी पैन में मैंने ले लिया था ऑयल, और साथ में मैंने अनियन लिया था, एक मैंने तकरीबन ले लिया था। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लूँगी, ये भी मैं घर पर ही बनाती हूँ, बहुत मज़े की पिज़्ज़ा सॉस होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं पहले भी इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने इसमें हाफ गार्लिक की क्यूब ऐड की है, आप हाफ टी स्पून ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर जो थे तीन, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया था पानी ऐड करके, और वो ऐड कर देने हैं। और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है, सॉल्ट ऐड करना है, रेड चिली पाउडर ऐड करना है, ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और हल्दी पाउडर भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पेपरिका पाउडर भी इसमें ऐड किया था, तकरीबन हाफ टी स्पून। और यहाँ पर मैंने इसमें 1 जो कप है केचप का ऐड कर दिया था, आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस ले सकते हैं, मेरे पास चिली गार्लिक सॉस नहीं था तो यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स अलग से ऐड कर दी हैं। और साथ में मैंने सॉल्ट ऐड किया है टेस्ट करने के बाद, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और बस अब इसको इतना कुक करना है कि ये थिक हो जाए, जैसे कि यहाँ पर ये थिक हो चुका था, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब आ जाते हैं डो की तरफ। डो भी मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, और उसके अंदर मैंने शुगर ऐड की है, सॉल्ट ऐड की है, यीस्ट ऐड की है, मैंने ड्राई एक्टिव यीस्ट ली थी मैंने, और मैं इसको इस तरह से डायरेक्ट ही ऐड कर देती हूँ, पहले पानी में डाल कर नहीं रखती क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर मैंने एक एग लिया था, क्योंकि मैं क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा ले रही थी, तो इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी दे दूँगी। यहाँ पर मेरे पास पाउडर मिल्क नहीं था, मैं पाउडर मिल्क ऐड करती हूँ, तो फिर मैंने जो मिल्क मेरे पास रखा हुआ था वो लिक्विड वाला, वही मैंने इसमें ऐड कर दिया था। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क ले लीजिएगा, जो भी घर में अवेलेबल हो ले सकते हैं, पाउडर मिल्क ले लेंगे तो बेस्ट होगा। और यहाँ पर जब ये डो इतनी नीट कर ली थी मैंने, तो इसके अंदर फिर मैंने ऑयल ऐड किया था, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून मैंने ऐड किया था। और ये ऐड करने के बाद इसको फिर मैंने दोबारा से नीट कर दिया था, और इसको जब ये अच्छे से गूंद लिया मैंने इसको, तो फिर इसको मैं ऊपर से कवर करके रख दूँगी। तकरीबन हाफ आवर के लिए मैंने रख दिया था, उतनी देर में मैंने बाकी चीज़ें रेडी की थी। यहाँ पर ये डो को रेस्ट दी थी मैंने, तो ये देखें कितनी फ्लफ अप हो गई थी। उसके बाद फिर मैं इसकी जो बॉल्स हैं वो बना लूँगी, जितना भी मुझे जितने भी साइज़ का मुझे पिज़्ज़ा की जो डो है वो रेडी करनी है, उस हिसाब से उतनी मैं इसकी क्रस्ट को बेल लूँगी, उतना ही थिन, जितना आपने थिन रखना है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये वाली जो थी मैंने ज़्यादा थिन नहीं रखी थी। और अब मैं इस फोर्क की हेल्प से इसको पिक कर लूँगी, और साथ में मैं अब इसको प्री बेक कर लूँगी, तकरीबन 2 to 3 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था। यहाँ पर मैं बड़ी वाली ट्रे में बाकी के जो पिज़्ज़ा थे वो रख लूँगी, एक मैंने बच्चों के लिए बनाया था स्मॉल साइज़ का जो था, क्योंकि आलियान थोड़ा सा स्पाइसेस का आलियान का होता है, खा लेता है लेकिन ज़्यादा नहीं, तो इसलिए फिर मैंने जो उसके लिए सॉस ऊपर से लगाई थी उसके साथ मैंने केचप भी लगाया था। यहाँ अब मैंने वो वाली ट्रे जो थी रख दी थी प्री बेक करने के लिए, और यहाँ पर मैंने जो ये पहले प्री बेक की थी इसके ऊपर मैंने सॉस लगा दी है, जो मैंने पहले रेडी की थी। ये देखें सॉस का कलर कितना अच्छा आया है। अब जो भी मैंने टॉपिंग रेडी की थी वो मैं ऊपर से ऐड कर दूंगी अपनी मर्ज़ी की, जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, और ढेर सारी चीज़ ऐड कीजिएगा, उससे बहुत मज़ा आएगा आपको अगर आप डाइटिंग नहीं कर रहे तो।
और यहाँ पर बस मैं इसके ऊपर से ओरिगैनो ऐड करूँगी और साथ ही में मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। क्योंकि ये बच्चों के लिए नहीं था तो मैंने अलग से ऊपर से ऐड कर दी थी। वैसे तो स्पाइस लेवल भी बिल्कुल सही था, परफेक्ट था जो सॉस और चिकन में था। यहाँ पर मैं दूसरे जो पिज़्ज़ा थे उनके ऊपर भी इस तरह से ही सॉस लगा लूँगी और उसको भी इसी तरह से रेडी कर लूँगी। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का, जूसी सा और सक्यूलेंट सा होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो बस यहाँ पर इसकी भी मैंने ऊपर से जो भी इसकी टॉपिंग थी कर ली थी, इन पिज़्ज़ा की भी, और साथ में मैंने ऊपर से चीज़ ऐड कर दी थी। और फर्स्ट वाले पिज़्ज़ा में मैं ऑलिव्स डालना भूल गई थी, तो फिर मुझे याद आया तो मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। उसके ऊपर मैंने बाद में डाल दी थी लेकिन वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ। और इसके ऊपर मैंने ओरिगैनो ऐड कर दिया है और साथ में चिली फ्लेक्स जो थी वो अपने वाले पिज़्ज़ा पर बस ऐड किया है। और बच्चे आके बड़े खुश हो रहे थे पिज़्ज़ा को टॉपिंग जब मैं कर रही थी ऊपर से, तो वो देख देख कर बड़ा खुश हो रहे थे। और यहाँ पर ये पिज़्ज़ा जो था मैंने बेक कर लिया था, और ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सॉफ्ट डो चाहिए, जो इसका क्रस्ट है सॉफ्ट चाहिए, तो आप इसको थोड़ा कम बेक करेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी सा चाहिए तो आप थोड़ी देर ज़्यादा इसको कर लीजिएगा। जो ऊपर से थोड़ी सी गोल्डन चीज़ हुई हुई होती है, कुछ लोगों को उस तरह का पसंद होता है, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर ये मैं कट करके इसकी स्ट्रिंग्स आपको दिखा रही थी, बहुत मज़े का बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।